अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। कौसा में ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट का हादसा, जिसके चलते 5 साल का बच्चा झुलसा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 28 जनवरी को कौसा स्थित किफायत कॉलोनी के पास न्यू अमान बिल्डिंग है, ए विंग। इसी ए विंग को लग करके एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। शाम 4:30 बजे अचानक इस ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। डीओ उड़ गया या किसी भी तरीके से यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई, चिंगारियां निकली और उसके चलते इसी ट्रांसफार्मर से जो सर्विस केबल लगा हुआ है, जो सामने की तरफ जाता है, उस केबल में से भी अचानक करंट और आग दोनों निकली। तो इसी ए विंग की, न्यू अमान की दूसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 202 में रहने वाले नदीम खान का 5 साल का बेटा अब्दान खिड़की पर जो लोहे की ग्रिल लगी हुई थी उसमें बैठा हुआ था। ये अंगार और करंट फैलने के कारण अब्दान के दोनों पैर झुलस गए और सीधा हाथ झुलस गया। हम आपको घटनास्थल बता रहे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर है और उसी के पोल से लगा हुआ वो केबल इस ग्रिल और खिड़की से कितना करीब से गुजरा हुआ है वो भी आपको बता रहे। साथ ही अस्पताल में, थाने सिविल अस्पताल में अब्दान जहां एडमिट है उसका वीडियो और उसकी तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। दुर्घटना के बाद अब्दान को पहले कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे फिर थाने सिविल अस्पताल के बर्निंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस संबंध में हमारी बात हुई अब्दान के पिता नदीम खान से, उन्होंने क्या जानकारी दी वो हम आपको ऑडियो में सुना रहे हैं। वहीं मुमरा कौसा में जगह जगह खुले केबल, जगह जगह खुले सीटीबीटी बॉक्स और फीडर पिलर अक्सर मौत को कैसे दावत देते हैं और तंग जगह रख करके बनाई गई इमारतों के बीच से गुजरते बिजली आपूर्ति करने वाले तार कैसे जानलेवा बने हुए हैं, इस बात को साबित करते हैं अब्दान के साथ हुआ हादसा। नदीम खान साहब बोल रहे हैं? जी जी, मैं रफीक कामदार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हिंदुस्तानी रिपोर्टर से। हाँ, नदीम भाई जानना चाहूंगा कैसे हादसा हुआ, बच्चा कैसे गया झुलस गया इसमें? वो अपना हमारे इधर किफायत कॉलोनी में बाजू में हमारे वो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, लाइट का ट्रांसफार्मर है और उसमें वायर भी, वायर है हमारे घर के खिड़की के सामने, बिल्कुल करीब में आपकी खिड़की से। जी जी जी, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है उसमें। हाँ, देखा होगा आपने। जी, गया था मैं दिन में वहाँ पर। हाँ, तो वही स्पार्क हुआ और वो खिड़की में बैठा था, तो स्पार्क होके वो उसके वहाँ पे खिड़की में बैठा था, वो खिड़की में बैठा था तो ये नीचे से चिंगारी ऊपर आई। हाँ, वही नीचे वायर में निकली, वायर में से निकली, उधर भी निकली और वायर में से भी निकली, वायर में से भी निकली। हाँ, और पूरा बच्चे के पैर और हाथ पे आ गई, पैर और हाथ पे आ गई। तो कितना 30% झुलसा है बच्चा, दोनों पैर और हाथ। हाँ, अभी अभी क्या बोल रहे डॉक्टर, कितना दिन क्या इलाज चलेगा? अभी देखो, इलाज अभी यही बोल रहे कि ऐसे 3-4-5 दिन बोल रहे, 4-5 दिन और चलेगा। हाँ, 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 हाँ। जी ठीक है। और घर में उस वक्त कौन कौन थे? मैं, वो थी वाइफ थी मेरी जी, और उसकी चाची थी। आप नहीं थे? बस नहीं, मैं काम पे था जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी में था। अच्छा, ओला वगैरह चलाते हैं आप? जी जी। तो फिर बच्चे को किन लोगों ने अस्पताल वगैरह पहुंचाया? पहले तो वो सब, वो ऐसा हुआ तो वो बिल्डिंग वाले ही सब आ गए थे, पास पड़ोस के लोग आ गए थे, पड़ोस के लोग आ गए थे सर। जी, अब्दान नाम है ना बच्चे का? जी 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 जी। कितना, 5 साल का है? जी जी। स्कूल वगैरह जा रहा है अभी? नहीं ना, नहीं अभी नहीं, अभी अब डालने ही वाला था उसको। चलिए।